हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल शिवा लर्निंग। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट की। महाराष्ट्र स्टेट में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में एक्सेप्टेज रैंक क्या रहेगा, कैटेगरी वाइज बताएंगे आपको। और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी, एससी और एसटी कैटेगरी में क्या एक्सेप्टेज रैंक रहेगा ब्रांच वाइज, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पॉज कर आप पूरी जानकारी रीड कर लीजिएगा। हमने ब्रांच वाइज दे रखी है, कैटेगरी वाइज भी आपको पूरी जानकारी दे रखी है। और एक्सेप्टेंस कट ऑफ 2022 में क्या रहेगा महाराष्ट्र स्टेट में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में, उसके बारे में हमने पूरी जानकारी दी है, आप स्क्रीन पर रीड कर लीजिएगा। बाकी जानकारी जो है हम आपको बता रहे हैं। एनएसटीआई की बात करें तो उनमें ओपन कैटेगरी, उनमें 23,000 का रैंक जा सकता है। EWS में भी सेम रह सकता है और OBC में 29,000 का रैंक जा सकता है और SC कैटेगरी में 44,000 का और ST में 82,000 का रैंक जा सकता है नीट 2022 में। डर्मेटोलॉजी 2,500 का ओपन कैटेगरी में जा सकता है डर्मेटोलॉजी में, और AWS में 3,900 का जा सकता है, OBC में 4,000 का जा सकता है, SC में 12,500 का और ST में 26,700 का। जनरल मेडिसिन से उनमें 5,200 का जा सकता है, AWS में 5,000 का, OBC में 600, SC में 38,000 का क्लोजिंग रैंक जा सकता है। ST कैटेगरी है उनमें 33,400 का। PDA की बात करें तो ओपन कैटेगरी है उनमें 8,200 का जा सकता है, AWS में 8,500 का, OBC में 8,000 का, SC में 24,500 का, ST में 36,000 का कट ऑफ जा सकता है। तो दोस्तों, ये जानकारी है क्लोजिंग रैंक की। एक्सेप्टेंस क्लोजिंग रैंक क्या रहेगा नीट PG 2022 में प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज में महाराष्ट्र स्टेट की पूरी जानकारी है, आप आगे रीड कर लीजिएगा। रेस्पिरेटरी मेडिसिन, रेडियो डायग्नोसिस, ENT, जनरल सर्जरी, OBG, ऑफ्थोमोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स में एक्सेप्टेंस रैंक की पूरी जानकारी हमने दे रखी है। आप वीडियो को पॉज करके पूरी जानकारी आप रीड कर लीजिएगा। और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारी चैनल शिवा लर्निंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।